नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। अमेठी में रात में सो रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सुंदरपुर मजरे दरखा गांव में बीती रात निर्माणाधीन घर के बाहर सो रहे 35 वर्षीय युवक कृष्ण देव ओझा को हमलावरों ने धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं युवक की चीख पुकार सुनकर उसकी चाची से बचाने पहुंची तो हमलावरों ने उन्हें भी डंडे से वार कर घायल कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चाची का इलाज जारी रखते हुए गंभीर रूप से घायल कृष्ण देव ओझा को प्राथमिक चिकित्सा करते हुए लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है घायल के भाई अमेठी के एसपी विनोद पांडे का। देखिए कल रात में अमेठी थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गाँव में एक मारपीट की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकरण में हम लोग गाँव में आए हुए हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, इसमें पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है, टीमें लगा दी गई है। शीघ्र ही इसमें घटना में शामिल अभियुक्तों का पता करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इंजर्ड को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है, या उसका इलाज चल रहा है। और किस तरह चोट लगी, क्या चोट लगी, चाकू से लगी, लाठी डंडे से लगी, अभी इसमें छानबीन की जा रही है और इंजरी रिपोर्ट का इंतजार किया। सभी घर वालों से पूछताछ की गई, क्या कारण निकल के आया सामने कुछ? अभी चूँकि घर का कोई जिम्मेदार बताने को तैयार नहीं, जिम्मेदार ज़्यादा है, तो अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जिस तरह तहरीर मिलेगी उसके तहत कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? जिनके साथ घटना हुई उनके आप क्या हैं? दादा घर के। क्या हुआ, क्या घटना, क्या घटना हुई? मतलब घटना ये हुई थी कि यहाँ वो लेटे थे, उनको धारदार हथियार से चोट लगाई, गले पर लगी और सिर पर लगा। कितने लोगों की चोट लगी? एक लोग की चोट लगी, जो जो आज माता जी थी जिसकी चिल्लाई उनको भी मारते तो अभी तो कई लाख कहाँ चले? अभी माता जी हमारे जब वहाँ कल रात में जब ट्रीटमेंट उनके बाद कराया गया, जब उनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, उसके बाद जो है उनका ट्रीटमेंट वही सैदापुर अस्पताल में किया गया। हम लोग कहाँ हैं, हालत कैसी? हाँ, घर पर देख लीजिए। उनके उनको चाकू लगी है, बहुत ट्रामा लखनऊ में ट्रामा सेंटर। कैसी हालत? हालत तो बहुत संतोषजनक है। सलून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन। देखिए सलून से हमारे संवाददाता कपिल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सलून में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तहसील सभागार प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दल बहादुर कोरी, उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा, क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह, तहसीलदार अजय कुमार, नायब तहसीलदार तरुण कुमार, वीडियो ऋचा सिंह, कानूनगो भुवनेन्द्र कुमार, गौरव रस्तोगी सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में संस्कार गार्डन में हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में शहर के संस्कार गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा क्षेत्र से लोग वहां पहुंचे। कार्यक्रम में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक विश्वनाथ गंज डॉक्टर आर के वर्मा पर निशाना साधा, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। देखिए इस मामले में क्या कहना है सांसद अनुप्रिया पटेल जी का। क्या तैयारियां हैं पंचायत चुनाव को लेकर अपना दल की? पंचायत चुनाव को लेकर आपको झलक मिल रही है आज के इस कार्यक्रम से, हमारी तैयारियां। पंचायत चुनाव को लेकर अपना दल की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं। ये छोटे कार्यकर्ता का चुनाव होता है और हमारी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता जो पूरा साल और पूरे 5 साल मैं कहूँगी कि लगातार आम जनता से जुड़े रहते हैं, उनके बीच में संघर्ष करते हैं, ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं का ये चुनाव होता है और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ने के इच्छुक हैं और समय आने पर उनकी घोषणा भी की जाएगी। क्या रणनीति क्या रहेगी? अपना दल क्या सभी सीटों में प्रदेश में लड़ेगा? प्रदेश में हर जिले में हर सीट पर लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। हर जिले के प्रभारी बहुत समय पहले हमारे बनाए जा चुके हैं और उन प्रभारियों की देखरेख में तेजी से हर सीट पर आवेदन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, संगठन की भीड़ है, वो सभी चुनाव हैं। पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अपना दल से विधायक थे आर के वर्मा, उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है पंचायत चुनाव में, कहा कि मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, पार्टी क्या करेगी ये मैं आपको
उस पार्टी का तो हर कार्यकर्ता विधायक बनने की हैसियत रखता है। मैम एक सवाल है, अभी आप कह रही थी कि फाइनल है और आपके कार्यकर्ता भी बन रहे हैं चुनाव को लेकर, तो क्या 2022 का जो फाइनल होने वाला है उसमें आपका साथ किसके साथ रहेगा? कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ आप खाते हैं। देखिए 2022 के चुनाव में अभी समय है, वर्तमान समय में हम गठबंधन में हैं और 2022 के चुनाव के लिए अपने पार्टी संगठन को धार देने में हम निरंतर हैं। योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, आप गठबंधन में कैसा मानती हैं इस सरकार के कार्यकाल को? ये सरकार का जो 4 वर्षों का कार्यकाल रहा है ये पूरी तरीके से प्रदेश के विकास को समर्पित रहा और इसमें हमने देखा सरकार की बहुत सारी उपलब्धियाँ। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में हमारा उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे आ चुका है, यानी कि अब और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वो विकसित होंगे और लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावनाएँ बढ़ेंगी। हमारे यहाँ 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जेवर में बन रहा है, कुशीनगर में बन रहा है, आप देखिए कई शहरों में नई मेट्रो सेवाएँ प्रारंभ हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ लगभग इस सरकार के कार्यकाल में मैंने देखी तो लगभग 30 मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा चुके हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इससे बहुत बड़ा हमारे को हम इम्प्रेसिस देने जा रहे हैं कि जो डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग है वो हम स्वदेशी करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत करें, उसको बढ़ावा मिल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो सड़क है, एयरपोर्ट है, मेट्रो है या हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल शिक्षा है, सबको देख कर बहुत अच्छा ये उपलब्धियों का वर्ष 4 साल का ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।